हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने आप से डिवाइड होते हैं या कि एक से डिवाइड हो सकते हैं। उसके अलावा वो किसी भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। मतलब कहने का है कि उनका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा अगर हम उन्हें किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 है, तो हमारे पास 4 से नीचे के जो भी इंटीजर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी। तो अगर हम चेक करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 4। फ्रेंड्स, हम जैसे देखते हैं कि इस केस में 4 जो है वो जब हम 3 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आता है 1.3, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 इज़ नॉट प्राइम नंबर। फ्रेंड्स, हमारे पास जो प्राइम नंबर की जो लिस्ट है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, etc. फ्रेंड्स, इन सभी केसेस में आप देखेंगे कि ये सारे नंबर कोई भी ऐसा इंटीजर से डिवाइड नहीं होते। इंटीजर लेस देन एन, लेस देन वन, सो दैट एन डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इक्वल टू 0 और इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी प्राइम नंबर होगा, एन एन इज प्राइम नंबर, एन इज प्राइम नंबर इफ एनी इंटीजर लेस देन एन और ग्रेटर देन वन, एंड इफ एन इज डिवाइडेड बाय दैट इंटीजर इट डज नॉट लीड्स टू 0, इट इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दैट इंटीजर। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास प्राइम नंबर के ऑपोजिट जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है। नॉन प्राइम नंबर्स, फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास 4, 6, 8, 10, 12, 14, 9, etc. जो कि किसी न किसी फैक्टर से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे कि 9 है वो
थ्री इंटीजर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर जीरो आता है. जीरो इज इक्वल टू रिमाइंडर. सो कम्प्लीटली डिविजिबल डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है और वो कंपोजिट नंबर है. फ्रेंड अभी हम बात करते हैं प्राइम नंबर की एप्लीकेशन की. प्राइम नंबर की एप्लीकेशन, प्राइम नंबर कहाँ पे इस्तेमाल में आते हैं, क्यों प्राइम नंबर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर साइंस का बहुत, कंप्यूटर्स हमारे आसपास चारों तरफ हैं, तो फ्रेंड्स इन प्राइम नंबर्स का कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है. कंप्यूटर्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है. फ्रेंड्स हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटी होती है तो जो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं. इनका कोई भी पैटर्न नहीं होता है. जैसे कि अभी हम कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर्स का पैटर्न होता है. तो अगर हम एक हमारे पास एक कुछ पैटर्न है 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद क्या नंबर आएगा तो आप बोल देंगे 14 नंबर आएगा अपने आप ही. ऐसे ही मैं बोलूं 3, 6, 9, 12, 15, इसके बाद क्या नंबर आएगा तो आप बोल देंगे 18. ऐसे ही कुछ भी हम बात करेंगे तो आप उसका पैटर्न पता लगा लेंगे इजीली. तो लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एटसेट्रा, जो कि प्राइम नंबर्स हैं. तो अगर इनमें मैं आपको कहूँ कि कुछ कुछ ऐसा ढूँढो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आप नहीं ढूँढ पाओगे इजीली जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जो कि कंप्यूटर खुद ढूँढ सकता है कि हाँ बड़े बड़े नंबर जो प्राइम नंबर्स. अगर हम 1 लाख से ऊपर के प्राइम नंबर ढूंढने जाएंगे या 10 लाख से ऊपर के प्राइम नंबर ढूंढने जाएंगे तो उनकी 10 लाख से ऊपर के प्राइम नंबर्स तो उनकी डिविजिबिलिटी बहुत मुश्किल होती है और वो इतना आसानी से नहीं पता लगा सकते कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है. क्योंकि जितने भी नंबर 10 लाख से नीचे होंगे या जो जो नंबर हम चूज़ करेंगे जिसको चेक करना होगा उससे सारे नीचे के नंबर हमें चेक करने पड़ेंगे कि ये डिविजिबल, कि इन नंबरों से हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसीलिए प्राइम नंबर जो होते हैं वो बहुत यूनिक नंबर होते हैं और उनको पहचानना इतना आसान नहीं है. तो इसीलिए ये नंबर जो हैं कोड में, कंप्यूटर कोड या पासवर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या पासवर्ड को बनाने के लिए. जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो इन्हीं का ही मदद लेती हैं. ये सभी प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करती हैं.
बिकॉज क्योंकि ये सभी यूनिक नंबर होते हैं. फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर इस वीडियो से आपकी किसी भी प्रकार से हेल्प होती है तो फ्रेंड्स लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ रोज़ लाता रहूं और आपकी पढ़ाई में मदद हो. थैंक यू फ्रेंड्स.